सीएससी मियागंज में करीब 4000 कोरोना वैक्सीन चोरी के मामले की खबर को इंडिया 24/7 ने बड़ी प्रमुखता से अपने दर्शकों को दिखाया था। हमारी दिखाई इस खबर का असर हुआ कि सीएससी मियागंज के अधीक्षक डॉक्टर आफताब अहमद को पद से हटाकर जिला मुख्यालय में अटैच किया गया। इसी के साथ जिला स्तरीय पांच सदस्यीय जांच टीम को गठित कर वैक्सीन चोरी के साथ अन्य दवाओं की चोरी की जाँच भी कराई जाएगी। आपको यह भी बता दें कि खबर कवरेज के दौरान सीएससी प्रभारी आफताब अहमद व उनकी टीम ने मीडिया से जमकर अभद्रता भी की थी। वहीं जिस रानी नाम की महिला को 4000 डोज के साथ पकड़ा गया था, उसे चतुर्थ ग्रेड की कर्मचारी बताया जा रहा था। असल में वह सीएससी के अधीक्षक आफताब अहमद के ड्राइवर की बहन है, जो प्राइवेट कर्मचारी के पद पर तैनात थी। अब सीएससी के अधीक्षक आफताब अहमद के दबाव में जूनियर स्टाफ लगातार अपने बयान बदल रहे। वहीं सीएससी के रजिस्ट्रों में भी स्टॉक को मेंटेन करने के लिए ओवरराइटिंग का प्रयोग किया गया है। अधीक्षक हैं जो वो जो है कि दबाव डालते थे, हम लोग काम करते थे, क्योंकि वो भाई अधिकारी हैं, हम लोग छोटे कर्मचारी हैं, तो हम लोग को मजबूरी पड़ता था कि उनके कहने से करना पड़ता था। लेकिन कई बार मैंने सर से कहा, सर ऐसा मत करो कि आप भी फंसो हमको भी फंसाओ, लेकिन सर कहते थे सब मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज के दिन जब सुबह वैक्सीन पकड़ी गई है, ये वैक्सीन सर ने परसों जब सीमो का दौरा था तब इन्होंने रखवा दी रानी से कि रानी के यहाँ रखवा दीजिए। तो रानी से आज हमने बोला कि वैक्सीन, सर से पूछा था मैंने कि सर क्या वैक्सीन वो मंगवा लें, तो कहने लगे हाँ हमने मंगवा ली, वहाँ पे कोई जो दो चार लोग होंगे पीछा कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे आके पोर्टल पे इन्होंने फर्जी करवाया है मुझसे। मेरे पास 2411 कल की डोज थी, लेकिन आज की डोज इन्होंने बढ़वा दी है फर्जी, और रजिस्टर पे भी फर्जी इन्होंने करवाया है। जब मैंने सच बोला है तब मुझ पर दबाव बना रहे हैं, ये मान नहीं रहे। 3 दिन पहले से सीएससी मियागंज की ये शिकायत आ रही थी कुछ लाभार्थियों के द्वारा, जिनको वैक्सीन लगा था, कि पहला डोज मुझे लग गया लेकिन दूसरे डोज के लिए मेरी डोज अभी लगी नहीं है, लेकिन ये लिख के आ रहा मैसेज में कि आपका डोज सक्सेसफुली लग गया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो मैंने ज़रूर सीएससी प्रभारी, हमारे डॉक्टर आफताब सीएससी मियागंज के प्रभारी हैं, उनसे मैंने बात की कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, तो टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। तो आज लेकिन ये बात एक पता चली, मुझे भी जानकारी में आई आप सबके माध्यम से ही, कि 4000 डोजेस जो एक चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी है रानी, उसके घर उसके आवास पर रखे मिले। तो जब ये बात सीएससी प्रभारी से हमने बात की कि 4000 डोजेस आपने कहाँ से आए जब आपके पास, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कल सीएससी कल जिले पर मुख्यालय से उनको भेजा गया था, तो रात में हम थे नहीं, तो हमने उनको वहाँ पर रखवा दिए थे रानी के यहाँ। लेकिन जब अभी मैंने पत्रकार भाइयों के सामने रानी से बात की, तो रानी ने कहा कि नहीं, ये कल नहीं आए हैं, ये तो हमारे परसों प्रभारी जी ने हमारे यहाँ रखवाए थे। तो और यहाँ पर जो आईओ जो है, जो हमारी इस कोविड का देखती है महिला, उसका नाम है संगीता पटेल, उसका भी ये कहना है कि ये 4000 डोजेज स्पेयर हैं, ये सीएमओ की जांच के कारण इन लोगों ने, इन्होंने हटवा के परसों रानी के यहाँ रखवा दिए थे। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारे 130 करोड़ की आबादी में सबको डोज लग जाए, वहाँ पर इस तरीके के अधिकारी अगर 4000 डोजेस कहीं से एक्स्ट्रा, या तो ये फर्जीवाड़ा ये हुआ है कि लोगों के डोज नहीं लगाए गए और कागज़ पर चढ़ाए गए तब ये डोज इतने बच गए, या फिर ये क्या, इसका इसकी तह तक जांच होनी चाहिए। मैंने डीएम साहब से भी बात कर ली है और एक कमेटी बना के जाँच की जाए कि 4000 डोज कैसे एक्स्ट्रा हुए।